स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर एलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं वेक्टर क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, वेक्टर अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ए और ये बी। तो हमारे पास जो वेक्टर है इसको कैसे डिनोट करते हैं, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय दिस ए बी, और उसके ऊपर हम एरो डालते हैं इस तरह से, ए बी, इसको वेक्टर कहते हैं। या अगर हमने इसको आर का नाम दिया है तो इसको हम आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। ए जो है दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। तो हमारे पास ए को अगर हम इनिशियल पॉइंट मानते हैं, बी को टर्मिनल पॉइंट मानते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस मैग्नीट्यूड ए बी और वेक्टर आर, इस तरह से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं, सपोज जो हमारे पास वेक्टर है इसको हम थ्री डाइमेंशंस में जो है डिनोट करते हैं इस तरह से। ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस और ये है अलोंग जेड एक्सिस। सपोज ओ जो है ये पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन, यहां पर पी पॉइंट है एक्स वाई जेड। हमने इसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना है। अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमारे पास वेक्टर का आई कंपोनेंट होता है, अलोंग वाई एक्सिस अलोंग का जी कंपोनेंट है, और अलोंग जेड एक्सिस दैट इज जो है के कंपोनेंट। फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स I कैप, J कैप एंड K कैप, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर O, P है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इसको हम R से अगर डिनोट करते हैं R वेक्टर से, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाली तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर आर, उसके हम कैप, यहां पर उसके जो है पोजीशन वेक्टर के ऊपर इस तरह से कैप डाल दें, और ये हमारे पास है वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाता है। जैसे हमारे पास कंपोनेंट है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
अब मैं इस यूनिट वेक्टर की एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर। हम i के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट और k के कंपोनेंट का स्केयर करेंगे और उसका स्केयर रूट लेंगे। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 29 आ गया। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर जब हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं r वेक्टर और इसके ऊपर ये कैप, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल हो गया, दैट इज इक्वल टू r अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन स्केयर रूट ऑफ 29। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन स्केयर रूट ऑफ 29i कैप प्लस 3 अपॉन स्केयर रूट ऑफ 29j कैप प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ 29k कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हम करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज हमारे पास जो है दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर है बी, दे आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा। सपोज द टू वेक्टर्स A and B inclined at an angle theta. Then A dot B, dot product, इसका formula क्या है? Magnitude of A, magnitude of B into cos of angle between them. ठीक है, यहां से dot product का formula है A dot B, that is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between them. अगर हमने cos theta find करना है, cos of theta, तो वो कितना आ जाएगा? A dot B upon magnitude of A into magnitude of B. अब इसमें हम कुछ cases करेंगे. First है, when theta is equal to 0 degree. इसका मतलब है वेयर ए एंड बी बोथ आर द लाइक वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, या हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे इनको। अगर हम थीटा की वैल्यू यहां जीरो पुट करते हैं तो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ जीरो, cos 0 की वैल्यू 1 है तो a डॉट b आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई। इसका मतलब है a और b ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, a इधर है तो b इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर द अनलाइक वेक्टर्स, a एंड b आर अनलाइक वेक्टर्स। उस केस में हमारे पास a डॉट b किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b a b cos ऑफ पाई, cos पाई की वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। उसके बाद थर्ड है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है a और b वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारे पास a डॉट b किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ 90 डिग्री। cos ऑफ 90 की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है, सो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन आ गई a डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी वो हमारे पास आ जाएगी a डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट वी विल डिस्कस
इसके हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले हैं फॉर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, जो हमारे पास जो अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग है जी कंपोनेंट और जेड एक्सिस के अलोंग है के कंपोनेंट। तो हमारे पास सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो वन होता है, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू वन के बराबर होती है। इसके अलावा आई डॉट जे हो या जे डॉट आई वो हमारे पास जीरो होता है, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई दैट इज इक्वल टू जीरो, आई डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई दैट इज जीरो और जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट जे दैट इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वन होगा, लेकिन अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। इसके अलावा हमारे पास ए डॉट ए, इसका मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दोनों के लिए सेम कंडीशन अप्लाई होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लेते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए दैट इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, दूसरा वेक्टर है बी दैट इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो अब यहां पर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। इसमें क्या होगा, I कंपोनेंट वाला I कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, I का J के साथ जीरो है, K के साथ भी जीरो है, इसी तरह से बाकियों में। तो यहां पर सिर्फ हमारे पास सेम कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां आ जाएगा A1 और B1 मल्टीप्लाई होंगे A1 B1 और इधर A2 J कैप B2 J कैप के साथ होगा A2 B2 प्लस A3 B3 ये आ जाएगा। अगर हमने cos theta का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर मैग्नीट्यूड्स लेते हैं ए, इसकी वैल्यू आएगी ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेते हैं वो आ जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। तो यहां पर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर और इधर से स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ अगर हम इसमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लें, इसमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, उसके इसमें हम थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं, कॉस 90 की वैल्यू जीरो है, तो यहां हम अगर जीरो लेते हैं जीरो इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। तो हमारे पास अगर ये टर्म जीरो है तो इसका मतलब है न्यूमेरेटर शुड बी इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो,
दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, अगर ए पैरेलल की कंडीशन है, ए इज लैम्डा टाइम्स बी वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। अगर इसको हम जो है इस पे कार्टेशियन फॉर्म में लें, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो यहां से कंपेयर करें, ए वन इज इक्वल टू लैम्डा बी वन, ए टू इज इक्वल टू लैम्डा बी टू एंड ए थ्री इज लैम्डा बी थ्री। और इनकी रेशियो लेते हैं, ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू लैम्डा, ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू लैम्डा, ए थ्री अपॉन बी थ्री इज इक्वल टू लैम्डा। इन तीनों को कंपेयर किया, ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हम जो है क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इनके जो है पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। ए वेक्टर दिया है, सपोज हम पहले को ए वेक्टर लेते हैं, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। दूसरा वेक्टर बी है, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने किया है, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये आ जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अब हम इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यहां से आई कैप है तो इसका कंपोनेंट है वन, इधर से थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन। तो ये आ जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस थ्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन के बराबर। अब हम ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये आ जाएगा यहां पर आई है वन स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी वन प्लस फोर प्लस नाइन। तो यहां से आ जाएगा रूट फोर्टीन। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेते हैं, ये आ जाएगा थ्री स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, नाइन प्लस फोर प्लस वन, अगेन ये भी आ जाएगा रूट फोर्टीन। अब यहां इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की है वैल्यू टेन, रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए है रूट फोर्टीन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी रूट फोर्टीन, तो ये आ जाएगा टेन अपॉन फोर्टीन के बराबर। तो कॉस थीटा की वैल्यू है फाइव अपॉन सेवन, थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ फाइव अपॉन सेवन के बराबर। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन दैट रूट थ्री ए माइनस बी इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है उसका जो मैग्नीट्यूड है वन के बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो वन। देन अब हमारे पास ये भी गिवन है कि रूट थ्री ए माइनस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ रूट थ्री ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू वन। अब हमने फॉर्मूला किया है ए डॉट ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सबसे पहले हम इस वेक्टर की जो है स्केयरिंग करते हैं, रूट ऑफ थ्री ए माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन का स्क्वायर, अगेन दैट इज वन। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रूट थ्री ए माइनस बी होल स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ थ्री ए माइनस बी डॉट रूट थ्री ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रूट थ्री ए को रूट थ्री ए से किया, रूट थ्री ए डॉट रूट थ्री ए, उसके बाद रूट थ्री ए को बी के साथ किया माइनस रूट थ्री ए डॉट बी, देन माइनस ऑफ रूट थ्री ए बी डॉट ए, और लास्ट में है माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू वन।
अब यहां से रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो गया ए डॉट ए। अब इसमें एक याद रखना है हमें कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दैट इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी है। तो यहां पर आ गया फिर हमारे पास माइनस रूट थ्री ए डॉट बी माइनस रूट थ्री अगेन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू वन। नाउ थ्री इंटू ए डॉट ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। रूट थ्री ए डॉट बी माइनस रूट थ्री दोनों का ये आएगा माइनस टू रूट थ्री ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब यहां पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू भी वन है, बी की भी वन है, और यहां पर ए डॉट बी पे फॉर्मूला लगा देंगे थ्री ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब हमें ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो इनके मैग्नीट्यूड वन के बराबर है। अब ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड वन के बराबर है प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये आ जाएगा थ्री माइनस टू रूट थ्री कॉस थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन, फोर माइनस टू रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू टू रूट थ्री कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा थ्री इज इक्वल टू टू रूट थ्री कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है थ्री अपॉन टू रूट थ्री, ये दोनों कैंसल, यहां से आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई रूट थ्री अपॉन टू के बराबर। अब कॉस थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है जब थीटा हमारे पास होता है 30 डिग्री के बराबर, तो दैट मीन्स हमारे पास थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और अगर इन रेडियंस लें तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी और सी तीन वेक्टर्स दिए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी प्लस सी। अगर एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दैट मीन्स इफ ए इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा बी प्लस सी दैट मीन्स ए डॉट लैम्डा बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लैम्डा बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा बी की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप प्लस सी आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आई के कंपोनेंट सेपरेट करेंगे लैम्डा प्लस वन इंटू आई कैप प्लस लैम्डा प्लस थ्री इंटू जे कैप माइनस टू लैम्डा माइनस वन, इनको हमने इकट्ठा किया इंटू के कैप। अब यहां से हम ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट लैम्डा बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इनके कंपोनेंट्स लिखेंगे टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट लैम्डा प्लस वन इंटू आई कैप प्लस लैम्डा प्लस थ्री इंटू जे कैप प्लस माइनस टू लैम्डा माइनस वन इंटू के कैप। अब आई के कंपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू लैम्डा प्लस वन माइनस वन इंटू लैम्डा प्लस थ्री प्लस वन इंटू माइनस टू लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा टू लैम्डा प्लस टू माइनस लैम्डा माइनस थ्री माइनस टू लैम्डा माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से टू लैम्डा प्लस और माइनस के कैंसल, माइनस टू माइनस लैम्डा प्लस टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस लैम्डा माइनस टू इज जीरो। यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू के बराबर।